नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज, इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। बड़ौदिया की ग्राम पंचायत जसवाड़ा के गांव ठिकरिया में शासन के द्वारा लाखों रुपये देकर गौशाला का निर्माण किया गया है, लेकिन वहां पर गौशाला के कर्मचारियों के द्वारा गांव की देखरेख नहीं होने के कारण गायें जंगल में पड़ी रहती हैं और गायें को जंगली जानवर नोच नोच कर मार देते हैं। इसी संबंध में मोहन बड़ौदिया निवासी सत्यनारायण जी शर्मा एवं गंगाराम मालवीय के द्वारा ये बताया गया कि टिकरिया गौशाला के कर्मचारियों के द्वारा जो गायें जंगल में चराने के लिए ले जाई जाती हैं, उन गायों को गौशाला के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक तरीके से जंगल में ही छोड़ कर चले जाते हैं और बिना चारे पानी के गायों की मृत्यु हो जाती है। क्या नाम है आपका? गंगाराम। कहाँ पर रहते हैं? मोहन बड़ौदिया। मोहन बड़ौदिया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ ढोर चरा रहे हैं। ढोर चराने आते हैं? हाँ। ये जो यहाँ पर ये तालाब में जो गाय पड़ी है अभी, ये तो 3 दिन की पड़ी साहब। अच्छा, ये गाय कहाँ, किसकी गाय है ये? ये गौशाला की गाय है। कौन सी गौशाला की है? ये टिकरिया गौशाला बोले, अब कर्जू वाला ने ली है। बताया। अच्छा, कर्जू वाले ने ले रखी है इसको। हाँ, न्यू के है, बिना टिकरिया वाला के थे, यह तो मालूम कि टिकरिया वाला बाबूलाल का कौन था। इन गायों को इधर कौन लाया था? ये ग्वाल लाए उनके धनी। कौन ग्वाल, कहाँ के ग्वाल है ये? ये वहाँ के है, सरसोदिया के। बता, सरसोदिया के गौशाला के कर्मचारी है। हाँ, गौशाला के कर्मचारी। तो इन गायों के बारे में आप कब से देख रहे हैं इनको यहाँ? इनको तो साहब 3 साल हो गया, देखते देखते खिलान पिला फोकट भूखा मरे ही तो। अच्छा, इनको मतलब आपको ये स्थिति देखते देखते 3 साल हो गए? 3 साल हो गया बराबर। गौशाला की गाय भूखे मरती है? खूब भूखा मरे, तीसा मरे, कहीं व्यवस्था ही नहीं उनकी, तो फोकट बूर मिली उनके, कहीं दमी नहीं उनकी, खाली गड़गी उनकी गौशाला की। ये को नाम गौशाला नहीं की जा। अच्छा अच्छा,